जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सूक्ष्म आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर निरंतर आवश्यकता अनुसार जन्म लेती और बदलती रहती है। ये ऊर्जा का स्वभाव है निरंतर खुद को बदलते रहना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म शरीर क्या होता है, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हम चेतात्मा या प्रेतात्मा के विषय में बात करेंगे, जो कि मनुष्य के उम्र के हिसाब से विकसित होती है। यही वो आत्मा है जिसके मृत्यु पश्चात पूजा पाठ श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। इसी आत्मा के लिए 13वीं या 40वां या त्रिरात्रि किया जाता है। यही वो आत्मा है जो मनुष्य के मृत्यु पश्चात शरीर के 10 द्वारों से निकलता है। मनुष्य अपने जीवन काल में जिस चेतना को सबसे ज्यादा जागृत करता है, मृत्यु पश्चात चेतात्मा उन्हीं द्वारों को अपना मार्ग बनाता है। शरीर का 9 द्वार आँख, कान, नासिका, मुंह, गुदा, लिंग, योनि और 10वां है ब्रह्मरंध्र, जो कि सिर के बीचों बीच होता है। बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ स्वार्थी बनकर ही जीवन जिया हो और उसको दुनियादारी से कोई लेना देना ना हो, ऐसे व्यक्ति की चेतात्मा मल द्वार या नाभि के नीचे स्थान से निकलता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में दया, प्रेम और किसी के भलाई के बारे में सोचता है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा नाभि के ऊपर के द्वार से निकलता है। परंतु सुनने में आता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अध्यात्म ज्ञान की चेतना ऊर्जा को जागृत करता है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा शरीर के ऊपरी छोर ब्रह्मरंध्र से निकलता है, परंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या चेतात्मा ही प्रेतात्मा होता है? जी हाँ, चेतात्मा ही प्रेतात्मा होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस विचार या व्यवहार के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है या कार्यरत होता है, या मृत्यु समय जिस विचार या व्यवहार के साथ अपने ऊर्जा को शरीर से दूर करता है, उस विचार या व्यवहार की चेतना की ऊर्जा मतलब चेतात्मा ही प्रेतात्मा बनता है, जो कि जीवित मनुष्य के विचार व व्यवहार के प्रति आकर्षित होता है, जो कि लॉ ऑफ फोर्स के नियम पर कार्य करता है। यही वजह है कि हमारे पूर्वज हमेशा हमें कहते थे कि सकारात्मक रहो, जिससे नकारात्मक ऊर्जा हमसे जुड़ न सके। और इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित रखने हेतु हम श्राद्ध, पिंडदान, 13वीं जैसे सकारात्मक पूजा विधि को अपनाते हैं, जिससे हमारे घर के आसपास उस चेतात्मा के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर ना हो। जिस व्यक्ति की चेतना लोभ, माया, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या से न घिरा हो, ऐसे मनुष्य की चेतात्मा स्वतंत्र होती है। वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिससे उस मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म आत्मा भी स्वतंत्र व सकारात्मक ऊर्जा होता है। कुछ इन्हीं वजहों से बच्चों व साधु संतों के पार्थिव शरीर को न जलाते हुए या तो नदी में विसर्जित कर दिया जाता है या फिर भूमि में दफना दिया जाता है। तो फिर जीवात्मा क्या होता है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा।